फ्रेंड्स, एम्पलीफायर से गाना किस तरह से आप बजा पाएंगे उसकी जानकारी मैं दूंगा। छोटा सा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एम्पलीफायर तो कलेक्ट कर लेते हैं कहीं से भी, जब आपके छोटे मोटे फंक्शन होते हैं घर पर, तो उसमें आप अपने गाने कैसे बजाएंगे, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको जो कनेक्शन करते हैं उसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। यानी आपको 8 ओम्स पर आपको पॉजिटिव का वायर लगाना है और कॉमन पर आपको नेगेटिव का वायर लगाना है। यानी आपके जो स्पीकर से जो वायर कनेक्ट करेंगे उसको आप बहुत केयरफुली जॉइंट करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने कनेक्शन को उल्टा जॉइंट करेंगे तो आपके स्पीकर उड़ने की संभावना रहेगी, या ये आपके ए जोन और बी जोन एम्पलीफायर पर जोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। आप गलती से भी आपको कॉमन और 100 वोल्ट लाइन पर नहीं जोड़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप कॉमन और 4 ओम्स या कॉमन या 8 ओम्स पर आप इसे जोड़ पाएंगे, इस पर आपको नहीं जोड़ना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये आपका बी जोन का चैनल दिख रहा है, तो इसमें अभी आप अपने स्पीकर को जोड़ लेंगे और उसके बाद आगे क्या करना उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो इस तरह से आपको एम्पलीफायर शो होता है। और आप गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सीधा एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और आप यहां से आगे क्या गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। इसको ऑन करने से पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह आपको एक जेक पिन होती है, उसको आप सीधा यहाँ आगे आप माइक लिखा हुआ वहीं डाल लेते हैं और आप एक मोबाइल में डाल लेते हैं जेक, और इस तरह आप अपने मोबाइल से गाना बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इस तरह अगर आप गाना बजाएंगे तो आपके गाने की आवाज़ सही नहीं आएगी, उसकी क्वालिटी सही नहीं आएगी, तो आप परेशान हो जाएंगे और कभी हमिंग आएगी, कभी तेज़ होगा, कभी ज़्यादा होगा, तो उसमें आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसको आप किस तरह से करेंगे, तो इसमें आपको जितने भी माइक की नॉब दिख रही है सबको आप ऑफ़ कर देंगे, और यहाँ चैनल जो आपको दिख रहे हैं जोन ए और जोन बी, अगर आपका छोटा एम्पलीफायर है तो आपको एक ही जोन दिखेगा, तो मास्टर वॉल्यूम को आप कम कर लेंगे और यहाँ से इस पिन को निकाल लेंगे। आप माइक वन में लगी हुई है, इस पिन को आप यहाँ से निकाल लेंगे और उसको आपको कहाँ ऐड करनी है उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो कभी भी आप माइक वन में इस लीड को न डालें, जैक पिन जो है आपकी, और इसको ही आपको मोनो या स्टीरियो कन्फर्म करना होगा। आपको मोनो पे रखेंगे तभी आपके ये आगे जो कनेक्शन में बताने वाला हूँ वो आपके वर्क करेगा। अगर स्टीरियो में रखा होगा, स्टीरियो कनेक्शन में आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मोनो में बताता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको एम्पलीफायर के बैक में ले चलता हूँ, और यहाँ पर आप AUX का जो ऑप्शन शो हो रहा है, AUX1 और AUX2, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर लेंगे और एम्पलीफायर और आगे जोड़ना चाहते हैं लाइन आउट से कनेक्ट कर लेंगे। और ये नीचे स्टीरियो का कनेक्शन दिख रहा है, इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे आप वीडियो में बने रहना, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आप किस तरह से इसमें कनेक्ट करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको जैक पिन से AUX1 में आपको मोबाइल से कनेक्ट कर एम्पलीफायर को किस तरह चलाते हैं उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लगा लिया है, और आगे आपको माइक के जो 6 स्विच दिख रहे हैं, नॉब दिख रहे हैं, उसके साथ ही आपको AUX1 और AUX2 का स्विच दिख रहा है। तो मैंने AUX1 में इसको इनपुट किया था, तो मैंने AUX1 में आपको यहाँ पर इसका वॉल्यूम खोल रहा हूँ मैं AUX1 का, और उसके बाद आपके मास्टर कंट्रोल आवाज़ आप थोड़ी बहुत खोल लेंगे जिससे आपको आउटपुट मिल जाएगा स्पीकर में, और वॉइस ट्रबल को आप बहुत आसानी से सेट कर लेंगे। जितना आपको जरूरत है बास जितना कम खोलेंगे उतना आपका स्पीकर अच्छा बजेगा, फटेगा नहीं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप AUX को खोल लेते हैं, तो आपको बार बार मास्टर वॉल्यूम को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोन ए और जोन बी में इनको आप सेंटर में रखकर फिक्स कर लेते हैं, तो इस तरह आप अपने काफ़ी अच्छी तरह से आवाज़ सुन पाएंगे। और आप कभी भी माइक वन में इसे कनेक्ट ना करें, माइक वन में सिर्फ या माइक 6 तक जो भी दिए हुए हैं उसमें आपको सिर्फ माइक ही कनेक्ट करना है। अब मैं आपको दूसरा कनेक्शन बता रहा हूँ जो आपको स्टीरियो में आप कनेक्ट करते हैं, तो आपको AUX से कंट्रोल ना होकर वो सीधा कंट्रोल होगा आपके सीधा जोन से, जोन है और जी जोन भी जो वॉल्यूम है उसी में आप काम लेंगे। तो ये आपको UC पिन दिख रही है, इसमें आपको इस तरह से पिंच होती है, इसको आपको स्टीरियो पिन में लगाना है जो आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आपको जैक पिन नहीं मिल रही तो आप जैक पिन वाली पिन को हटाकर आप इस स्टीरियो पिन को यहाँ पर लगाकर स्टीरियो वॉल्यूम, यानी स्टीरियो में आवाज़ कुछ अच्छी आती है, AUX में कुछ आवाज़ अलग दिखती है और स्टीरियो की आवाज़ अलग दिखती है, लेफ्ट और राइट के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर जोन ए और जोन बी के लिए 2 पिन मैंने लगा ली है, और ये सीधा मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो भी आप काम में ले सकते हैं, उसका वॉल्यूम फुल करने का ध्यान रखना होगा आपको। तो यहाँ से मैं इसमें गाना किस तरह से प्ले होगा,
तो इसमें आपको यहाँ जो स्विच दिख रहा है मोनो और नीचे दिख रहा है स्टीरियो, तो आप इसको नीचे करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर इस वॉल्यूम को कम कर देंगे क्योंकि अब कंट्रोल आपका सीधा इसी में आ चुका है, तो इसमें आपका यूएक्स बटन ये काम नहीं करेगा, तो आपके सीधा जो वॉल्यूम होगा वो होगा ये वाला। तो आप इसी से कम आवाज़ कर लेंगे, पहले इनकी आवाज़ बिल्कुल कम रखेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ से इसे प्ले करेंगे। तो आपको मोनो की जगह स्टीरियो करना होगा, यहाँ लोक को नीचे करना और यहाँ से आवाज़ कम रखना, और फिर आप इसमें आवाज़ खोल लेंगे तो आपको आवाज़ बड़ी आसानी से दोनों चैनल में आ जाएगी, जोन ए और जोन बी में। तो इस तरह आप अपने दोनों कनेक्शन, मैंने बताया आपको जैक पिन के द्वारा और स्टीरियो के द्वारा, तो आपके अगर एम्पलीफायर में दोनों सिस्टम है तो आप दोनों तरह से काम में ले पाएंगे, और अगर आपके सिर्फ एक ही कनेक्शन है तो आप AUX के द्वारा इसे चला पाएंगे। मैंने आज आपको दोनों कनेक्शन बताए हैं, एक ही एम्पलीफायर में, ये 400 वाट का एम्पलीफायर है आउट जगह, इसमें मैंने आपको एक तो आपको जैक पिन के द्वारा कनेक्ट करना बताया मोबाइल को, और दूसरा मैंने आपको स्टीरियो लेफ्ट एंड राइट के द्वारा बताया। जानकारी अच्छी लगी और चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो और देखना चाहे तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा हमारे इसी चैनल पर देख पाएंगे। धन्यवाद।